नीली कैसी है तू? अम्मा मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? वो तो मुझे नजर आ ही रहा है कि तू कितनी ठीक है। जो भी तुम्हारे मेरे दरमियान इख्तलाफ है वो तुम्हारे मेरे दरमियान है। अम्मी के बारे में कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोच लो। वरना जो हमारा बचा हुआ रिश्ता है इसे मैं खुद अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। राबी, राबी, क्या हुआ मम्मी? कोई काम है तो मुझे बता दे। अहमद को बुला के लाओ। मैं भी बुलाती हूँ। अल्लाह, राबी, राबी, क्या है अम्मा? सोने देना, क्यों मेरी नींद की दुश्मन है? जा यहाँ से। लगता है अब तुम्हारी अम्मा के साथ ही तुम्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा। बाजी तुम, वो बस मैं बस उठने वाली थी, वो रात भर की जागी हुई है ना बाजी, कुछ सोचो, नींद तो आएगी। जितना सोना था सो चुकी हो तुम, उठो उठ के घर के सारे काम करो, अम्मी के रिश्तेदारों ने आने। बस 2 मिनट दे दो बाजी, मैं पूरा घर चमका दूंगी अभी। सोगवरी इनके घर पे, जीना हमारा आरंभ किया। आप सब कुछ जानते हुए भी मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। नीली, घर पर कोई नहीं है तो बिल्कुल अकेली हो, और सिर्फ 1 घंटे की तो बात है, और तुम्हें फिर भी कोई शक है तो तुम अंदर से लॉक कर लेना जब तक मैं वापस नहीं आता। लेकिन फिर भी आप नहीं जाएंगे? बस नीली, सिर्फ 1 घंटे की तो बात है, अब मामा को लेके जाना भी तो जरूरी है, और हाँ कायनात घर में आ जाएगी तो सारी मुश्किल हल हो जाएंगी, और फिर भी मुझे ऑफिस तो ज्वाइन करना है ना। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, तुम्हें जिस बात की फिक्र है वो मैं जानता हूँ। कशान घर में मौजूद नहीं है, वो रात में आएगा। आपको कैसे पता? मैंने खुद सुना है वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है, रात को लेट लौटेगा। अच्छा, लेकिन फिर भी आप नीली, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो, फिर भी तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम रूम को अंदर से लॉक कर लेना, और हाँ मैं जाते हुए गार्ड से कह दूंगा अगर फिर भी कोई आए तो उनसे वो कह दे कि घर पे कोई नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच मुझ पर भरोसा करने का। क्या हुआ? कुछ नहीं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो नसरीन? फर्स्ट क्लास। आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ साहब, आज नसरीन बहुत खुश है। चलो ये तो अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। साहब मैं कह रही थी कि वो बाजी को जाके ले आओ ना। नहीं साहब, देखो ना, उसने गलती की है, फिर तुमने उसे घर से निकाल दिया तो सजा तो उसे मिल गई ना, अब जाके ले आओ। मैं जानता हूँ मैंने उसे निकाला था, लेकिन वो वापस भी तो नहीं है, तो क्या फायदा मैं उसे लेने जाऊँ जब वो वापस ही नहीं आना चाहती इस घर में? नहीं साहब, देखो रिश्तों में अगर अकड़ आ जाए ना तो फिर रिश्ते टूट जाते हैं, और वो सुलझते नहीं है, और वैसे भी
बाजी हमारे बारे में उल्टा सीधा सोचती है। तुम उसे और हवा मत दो। मैं तो कहती हूँ बस जल्दी से जाके उसे ले आओ। मुझे एक बात बताओ नसीम, अब आप तुम्हें इतना बुरा भला बोलती है, अभी क्या क्या बोलती है तुमको? फिर तुम उसको मतलब उसके लिए तुम इतना अच्छा क्यों सोचती हो? साहब मेरी भी तो गलती है। अब देखो ना, मैं कितना देर से आती हूँ तो बाजी तो नाराज होगी, और वैसे भी रुबाब बाजी का थोड़ा मिजाज सख्त है, और साहब हमें तो बातें सुनने की आदत ही हो गई है। अरे भाई किस चीज की आदत हो गई? खाला मैं ये कह रही थी कि तुम इतना मुझे समझाती हो, ये तुमने कभी अपने बेटे को समझाया? लो बेटा, कोई एक दफा थोड़ी समझाया, दो दिन से समझा रही हूँ, पर इसकी सुई है कि वहीं की वहीं अटकी हुई। वो खुद आएगी, मैं नहीं जाऊंगा लेने, मैं क्या? नहीं खाला, कुछ भी है वो तुम्हारे घर की रौनक है, और फिर तुम्हारे घर का माहौल बड़ा अजीब हो गया। ये तो है। मैं थोड़ा काम देख के आती हूँ खाला। अच्छा बेटा, एक तस्वीर कहाँ रखती? फिर भूल गई। मामा और भैया पहुंच गए तुम्हारे पास? चलो ठीक है, अभी दोस्तों के साथ हूँ, घर पहुंचे तो मैं कॉन्टेक्ट करूँ। बाय। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा एक काम करो, तुम मैकेनिक के पास जाओ और वहां जाके मुझे कॉल करना। राइट सर। और हाँ, जब तक मुझसे बात ना हो जाए वही रहे। राइट सर। खाला जी, ये जो आपकी बहन गुजर गई है इस दुनिया से, उनकी बेटी शादीशुदा है? नहीं। और उनके अब्बा जी? वो अब बिल्कुल अकेली रह गई है वहां पर।
हाय हाय, कैसे माँ बाप हैं। औलाद की शादी तक देखना नसीब नहीं हुई, कितने बदकिस्मत हैं। मेरा मतलब है कि देखे ना, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है अपनी औलाद को खुशी खुशी रुखसत करना, वो बेचारे देख ही नहीं सके जी। ये सब कुछ मेरे इनकार की वजह से हुआ। आपकी वजह से? मैं समझी नहीं। मेरी बड़ी बहन हमेशा से चाहती थी कि उनकी बेटी निशा की शादी अहमद से हो, लेकिन अहमद ने कभी ऐसा चाहा ही नहीं। और निशा बीबी? कोई फायदा नहीं इस बारे में बात करने का। खैर, अब लिखी को कौन टाल सकता है जी, जो नसीब में होना होता है वो हो के रहता है। पर खाला जी, वो तो वहां अकेली रह गई है ना निशा बीबी, आप उनको यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? अमर से कहा तो है, अब देखो अमर क्या फैसला करता है। चल राबी, तेरा काम तो और भी आसान हो गया। अरे शराफत भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे तुम यहाँ? क्या बस, यहाँ जरा काम से आया था। अब बड़े कमजोर हो गए, खैरियत तो है? क्या करूँ शराफत भाई, गुर्बत दिन ब दिन खाए जा रही है। तुम सुनाओ, मुबारक हो बेटे के निकाह के बाद तुम्हारे घर में बड़ा माल आ रहा है। काय की मुबारकबाद, अब तो पैसे की शक्ल देखने को तरस गया हूँ, फाके हो रहे घर में फाके। क्यों मजाक कर रहे हो शराफत भाई, बाली तो दिन रात जियो में पैसे जीत रहे पैसे। बाली? हाँ, हमारे मेले में बैठ के दोस्तों के साथ जुआ खेलता रहता है। अबे सच बताना कैसर, बाली को देखा है या किसी और को देखा है? अंधा थोड़ी हूँ, मैंने खुद देखा है। ऐसा नहीं हो दोस्तों के साथ डकैतियाँ भी कर रहा हूँ। डकैती? सच सच बताओ, इस बात के बारे में तुम्हें नहीं पता? भाई मान से मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हें इस बात का नहीं पता तो अपने बेटे से पूछकर यकीन कर लो। ऐसा नहीं हो तुमसे छुपके काम कर रहा हो, पहली फुर्सत में अपने बेटे के लगाम डाल दो। ऐसा नहीं हो अपने बेटे से हाथ मलते रह जाओ। नहीं, मैं अभी जाके उसके कान खींचता हूँ यार, कैसी बात कर दी तुमने। अच्छा शराफत भाई, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। कहा भी था कि घर जाके फोन करना। उफ।
फिर भी तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम रूम को अंदर से लॉक कर लेना। काशान तुम्हें लगी तो नहीं? वो बहुत जोर से पाँव बंद रखी। उठो 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 आराम से, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? लगी। तुम रुको, मैं हसन कॉल करती हूँ। तुम तो बहुत बेवकूफ हो। मुझसे देख के कहाँ भागोगी? छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा। अरे तुम कहोगी तो मैं तुम्हारा हाथ छोड़ूंगा, तुम्हें लगता है? छोड़ो काशान। दरवाजा बजा रही हूँ, आवाज नहीं आ रही तुम्हें? क्या कर रही थी तुम अंदर? वो काशाना मुझे मारने की कोशिश कर रहा। क्या काशान? काशान मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। What? तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकली। मैं झूठ नहीं बोली कसम। आओ तुम्हें मेरी बात पे यकीन है ना? आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इधर इधर आओ। कायनात को भी अभी आना था, कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया? अरे यार, कहीं वो नीली की बातों में तो नहीं आ जाएगी? मुझे कुछ करना होगा। आओ, तुम्हें लगता है ना मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं आज तुम्हें सब सच्चाई बताऊंगी, मेरे साथ आओ। ये देख, कहाँ है काशान? कहाँ है काशान? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोली, वो यहीं था। वो तुम्हें देख के भाग गया है। अच्छा, मुझे देख के छत से कूद गया ना? शर्म नहीं आती तुम्हें? जितनी तुम्हारी हैसियत छोटी है ना, उतनी तुम्हारी सोच भी छोटी है। और तुम में है ही क्या जो तुम्हारे पीछे भागेगा? मैं झूठ नहीं कह रही, वो यहीं था। उसने यहाँ पे जग भी तोड़ा ताकि मैं दरवाजा खोल के बाहर आ जाऊं। मेरी बात पे यकीन करो। बस एक लफ्ज और मत कहना उसके बारे में। बहुत कीचड़ उछाल ली तुमने उसके ऊपर, दूर रहना उससे, समझी? कायनात, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, वो फिर से आ जाएगा। तुम दूर हटो यहाँ से। मुझे तो लगता है कि तुम ही कोई ड्रामा कर रही हो। बताओ ना क्या छुपा रही हो? बताओ क्या छुपा रही हो तुम? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, तुम्हारे साथ ड्रामेबाजी कर रहा हूँ, तुमसे झूठ बोल रहा है। बस बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने तुम्हारी बकवास, अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। कायनात मेरी बात तो सुनो। कायनात, कायनात तुम झूठ बोल रहा है, तुमसे धोखा दे रहा है। नहीं खैर, जो भी है कहलाएंगी तो वो हमेशा साथ जी की साफ का मंगेतर ही ना। और फिर मर्द मर्द होता है। मेरी अम्मा कहती है कि मर्द का माजी ना कभी उसके सामने लाके खड़ा नहीं करना चाहिए, वरना वो अपने हाल को अहमियत कम देने लगता है। और तुमने कहा किसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की? क्या? एक मिनट, एक मिनट, दोबारा दोहराना, मतलब जान जान